और मेरे भाई लोग कैसे हो। एक और आज है खतरनाक डुअर रैंक पोस्ट वीडियो के संग। आज अपन का रैंक पोस्ट का है डेट, जहाँ पे आप लोग क्या रैंक चल रही है और आप लोग कौन से टीयर पे भी हो वो भी यहाँ पे मेरे को जरूर से कमेंट करके बता देना। और कुछ भी पूछना होगा रैंक पोस्ट के रिलेटेड तो यहाँ पे आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सीधा बढ़ते हैं यहाँ पे वीडियो की तरफ। काफी बंदों को दिक्कत है या फिर काफी बंदों को कमेंट आता है भाई हाई प्लस किस तरीके से निकाले, एस टीयर पे हम लोग क्राउन टीयर पे हैं। तो अभी के आप लोग इंट्रो में देख लिया होगा भाई एस के 1 से 2 स्टार के मैं बीच में हूँ और सिंगल गेम में मैं 32 का प्लस निकाल रहा हूँ। अभी इतना प्लस किस तरीके से निकाल रहा हूँ, क्या चीजें फॉलो कर रहा हूँ वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखना। पर उससे पहले प्यारा सा 1v2 देख लेना। जस्ट मेरे आगे 2 बंदे होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं जो मेरी पोजिशन थी वो अभी के लिए नहीं पता होती है, तो देखो इन बंदों के साथ अभी के लिए क्या सीन करते हैं। अब ये वाला 1v2 अच्छा लगा होगा तो जरूर से कमेंट करके बता सकते हो और जरूर से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। अब काफ़ी बंदों को मैं देखता हूँ भाई इवेंट पर उतरते हैं, चुपचाप एक जगह बैठे रहते हैं, अगर बंदा आता है तो फाइट लेते हैं वरना कहीं ना कहीं वो ज़्यादा फाइट नहीं लेते हैं। तो गाइस एक चीज़ याद रखना, इवेंट एक ऐसी जगह जितना हो सके आप कवर में खेलोगे उतना यहाँ पर सर्वाइव करोगे, और गन से ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नेट से फाइट लेना या फिर मॉली से फाइट लेना। जितना अगर आप लोग थ्रोवर से फाइट करोगे तो आपको गन यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप लोग दूर से किसी भी टीम को यहाँ पर बहुत ही आराम से फिनिश कर सकते हो। पर अभी के लिए यहाँ पे मेरी पेटी बन जाती है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे अपन रिकवर हो जाते हैं और ऑलरेडी अच्छे खासे खेलते हैं। पर कहीं ना कहीं अपन इस वाले कंपाउंड में आते हैं कैसे काफी ज्यादा चांसेस लगते हैं कि भाई यहाँ पे जोन बनेगा। तो जैसे ही अपन लोग यहाँ पे आते हैं तभी मेरे को राइट हैंड साइड से फायर आता है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना भाई पोर्टल बना के बंदे को देखने की ट्राई करा जाए, क्या पता जो बंदा है भाई वो यहाँ पे मेरे को स्पॉट हो जाए। तभी भाई यहाँ पे ये टीम स्पॉट होती है जिसे मैं गलत वाले फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो भाई 13 किले मेरे ऑलरेडी और यहाँ पे बंदे काफ़ी ज़्यादा अलाइव है, तो मैं समझ चुका था भाई अगर इस गेम में टॉप 5 से टॉप 10 निकाल लिया तो आराम से मेरे को 30 से 40 का प्लस देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ पर देखो अभी के लिए मेरी क्या रोटेशन होती है। अब रोटेशन कुछ इस तरीके से मारो का भाई बंदे को पता भी ना चलेगा भाई आप लोग गाड़ी लेके यहाँ से निकल भी चुके हो। सबसे पहले हम लोग काफ़ी ज़्यादा राइट से फ्लैंक करते हैं जिससे अगर कोई बंदा भी अपन को अभी के लिए देख लेता। तो वहाँ पे जो रिश्ता है उसकी कबर में हम लोग आराम से यहाँ पे बच सकते थे, पर जैसे यहाँ पे जोन आते हैं तो अपन को शेक तो यहाँ पे लकीली मिल जाता है, पर हमारे नीचे भी बंदे थे और हमारे ऊपर ही बंदे थे, पर अपन पे जोन था बस ये एक चीज़ अच्छा होता है। पर यहाँ पे अपन लोग काफ़ी ज़्यादा गलत सिचुएशन में ही फंस चुके थे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी के लिए आप ये देखो, ऊपर वाले जो बंदे होते हैं भाई वो जोन में नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपन को नॉक करने की ट्राई करते हैं। जहाँ पर मैं एक बंदे को तो टेक डाउन कर देता हूँ, फटाफट अपनी हीलिंग भी कंप्लीट करने वाला था और मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं जो भाई सामने वाले बंदे हैं वो जरूर से हमारे ऊपर रश करेंगे। अब कुछ देर के बाद यहाँ पे एक बंदा रश करता है, अब एंगल तो नहीं था पर टीममेट से कहता हूँ भाई घर के अंदर रहिए, वो जाता है बाहर को बंदे से फाइट लेने के लिए, पर वो नॉक हो जाता है और जब तक मैं कुछ समझ पाता उतने देर के अंदर मैं भी फिनिश हो जाता हूँ। अब एक छोटी सी गलती अपन को इतनी भारी पड़ सकती है, इतना तो भाई अपन ने सोचा नहीं था। बाकी #3 आए और इस गेम में जो प्लस है वो गाइस आपके आंखों के सामने है। अब यहाँ पे गाइस आपको एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी बंदों को डाउट रहता है भाई आप रैंकिंग क्या चल रही है, आप खेलते किस टाइम हो, तो वो सब तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये वाली वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनना बड़ी बन जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं गेम फिनिश होता है, सबसे पहले अपनी लोबी में जाके मैं गाइस आपको अपनी रैंकिंग दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं रैंकिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरी रैंकिंग गाइस 1000 के आसपास चल रही है, मतलब आप लोग देख ही सकते हो भाई इतनी कम रैंकिंग चल रही है और इतना अच्छा गेम निकाल रहा हूँ। तो